लंका जी आ रहे हैं यहाँ, बालोद और कुरूद आ रही हैं उधर, फिर 8 तारीख को खड़गे साहब और राहुल जी फिर सरगुजा साइड जाएंगे, रायगढ़ तो हुआ है, कोरबा ये वाला क्षेत्र बचा है तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। कतार भतीजा में कौन भारी है? कतार भतीजा में कौन भारी? जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजेक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिले। तस्वीरें आप देखिए और काफी उत्साहित लोग नजर आए, दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने मतदान किया, केदार कश्यप ने भी वोट डाले और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं कई, जैसे मनीष कुंजाम, लता उसेंडी ने वोट डाला है बीजेपी के प्रत्याशी, और आपको बता दें विक्रम उसेंडी ने भी मतदान किया। तो दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंचे, बीजेपी नेता अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया, यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी वो भी वोट करने के लिए पहुंची और चैतराम अटामी भी वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सुकमा, चित्रकूट, कांके, राजनांदगांव, बस्तर, करीगुंडम और कांकेर की तस्वीरें देखिए, कितने उत्साहित हैं लोग, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में और हिस्सेदारी बेहद जरूरी। ये 4 तस्वीरें और देखिए आप, ये हैं बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, बीजेपी विक्रम उसेंडी, और विक्रम उसेंडी ने मतदान किया और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी मतदान किया और बीजेपी के नेता अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया है, चैतराम अटामी ने भी मतदान किया है। तो नेता भी इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए वोटिंग सेंटर की, पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, चित्रकूट, राजनांदगांव, कवर्धा और संगवारी, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सभी, गजब का उत्साह है। चित्रकूट, राजनांदगांव, कवर्धा, संगवारी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम सब कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद फिर जलपान, हालांकि 4 अभी तक बच चुके हैं लेकिन उत्साह अभी तक लोगों का कम नहीं हुआ है। पोलिंग बूथों के बाहर अभी भी लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं, वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, सभी उत्साहित हैं। 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और कितना उत्साह है ये देखिए आप, और जो मतदान फीसदी है, मतदान प्रतिशत है, वो भी बताता है कि अच्छी वोटिंग हुई है। जो फीसदी निकलकर सामने आया है मतदान का, जैसे कोटा से 50% मतदान, 50% ज़्यादा मतदान हुआ है कोटा में, और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है, और अंतागढ़ में 65.67% मतदान, 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर, बस्तर में 65% से ज्यादा, 3 बजे तक 58.85% मतदान अभी तक हो चुका है पूरा टोटल। अलग अलग जगहों के मतदान फीसदी भी देख लीजिए, चित्रकूट में 56.90%, वहीं अंतागढ़ की बात करें तो 65.67% वोटिंग अभी तक यहां पर हुई, दंतेवाड़ा में 51.90% वोटिंग हुई है। तो नक्सल प्रभावित सीटों पर भी बंपर वोटिंग, ये बताती है कि बुलेट पर बैलेट
भारी पड़ रहा है अभी इस समय। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चलिए कोंडागांव में क्या कुछ हालात हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर, वो हम जानेंगे। कोंडागांव से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें हैं कोंडागांव के पोलिंग बूथ से, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वोटर्स, किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करने के लिए आए हैं वो आज, विवेक? देखिए आशीष जी, जिस तरीके से 3 बजे तक मतदान होना था, पर 3 बजे के बाद भी यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी और अभी धीरे धीरे लाइन खत्म हो, वोटरों की संख्या कम होती गई है, पर 4 बजे तक स्थिति यह थी कि यहाँ पर लाइन बड़ी लंबी थी। सबसे ज्यादा महिला वोटर्स यहाँ पर सामने नजर आ रहे थे। आपको ये बता दूं कि कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा है, तो दोनों विधानसभा में महिला वोटर भी ज्यादा है। तो इस बार 48,000 युवा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जो 18 साल से 22 साल के बीच में। तो इस बार महिला और युवा, जिनकी सोच सरकार बनाएगी, इनकी ओर जो है सरकार की ओर, सरकार को बनाएगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों में अब भरोसा और गारंटी, ये दो चीजों पर टिका हुआ है कि कोई कौन भरोसा करता, कौन गारंटी पे जाता है, ये हम नहीं कह सकते। पर यह है कि लगातार जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और अभी तक कोंडागांव विधानसभा में 69% और केसकाल में 66% है, मतलब ये है कि पिछला रिकॉर्ड जो 84 पिछला 2018 का 84% था, लगभग वहां तक मतदान जाएगा, क्योंकि कई बूथों में अभी भी मतदान चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से आंकलन अधिकारी लगा रहे हैं कि 84% के आसपास मतदान होगा, और ये बताता है कि जो जागरूकता लोगों में आई है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, वो उसका परिणाम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोंडागांव जिले में 38 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार वोट हो रहा है, वोटिंग हो रही है, पहली बार गांव के लोग मतदान अपने ही गांव में करेंगे, नहीं तो पहले उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था नक्सली डर से, लेकिन आज वो अपने ही गांव में मतदान कर रहे, तो वहां भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बताता है कि लोग जागरूक हुए हैं और लोगों में लोग, हालांकि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो यहाँ महिला वोटर है वो काफी साइलेंट किलर है, वो अपनी बात कभी सामने रखती नहीं है, अपने मत से अपना विचार प्रकट करती है। तो अभी ये निकाल सकते हैं कि किस मुद्दे को लेकर जा रही है, बस महिलाओं का ही कही है कि जो महिलाओं का आगे बढ़ने की बात करें। अच्छा मतदान, अच्छी वोटिंग अभी तक हुई है। सुकमा दर्शकों को लिए चलते हैं, वहां पर ममता हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल पोलिंग बूथों पर, क्या अभी भी लाइन लगी है लंबी लंबी, हालांकि जो वोटिंग फीसदी है वो तो कह रहा है कि अच्छी वोटिंग अभी तक होगी हुई है, ममता? बिल्कुल देखिए, और मतदान केंद्र के बाहर ही हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, सुकमा बस स्टैंड के सामने ये मतदान केंद्र है और अब यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है, अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और तमाम जो वोटर्स हैं वो भी जा चुके हैं। लेकिन वोटिंग के बाद में आप देखेंगे, एक बार मैं कहूंगी कि पूरे बस स्टैंड का नजारा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो है उस तरह का माहौल जो है, वो जो चुनावी जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। और वोट देने के बाद में लोग गली मोहल्ले जो यहाँ पर जो दुकानें हैं, ठेले जो है वहां पर, या चाय के जो ठेले हैं वहां पर, इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। बीजेपी, कांग्रेस और जो सीपीआई, उसके कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो उनके अपने दावे थे, हर किसी का कहना था कि मेरे जो प्रत्याशी है वही जो है वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम मतदाता है, उनकी अपनी अपने मुद्दे रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने वोट दिया है। किसी को कहना है कि शिक्षा के जो बड़े संस्थान हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, कोई स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहा है, कोई सड़क को लेकर बात कर रहा है। लेकिन ओवरऑल हमने सुकमा जिले में देखा कि सड़कें काफी फिर भी अच्छी स्थिति में है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो ये भी एक मुद्दा है। लेकिन महिला वोटर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहर निकली हुई थी और बुजुर्गों का हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है पैर में चप्पल उनके नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर वोट निकले आए थे, तबियत खराब थी उसके बाद भी आए थे। तो सुकमा जिले में अगर हम बात करें तो जो जानकार है वो कह रहे हैं कि पिछले 2018 से के मुकाबले जो है वो बेहतर वोटिंग परसेंटेज होगा, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। भेजी जैसे इलाके में देखिए वहां पर 688 करीबन वोटर्स हैं और एक ही मतदान केंद्र वहां पर था और अति संवेदनशील इलाका है, और जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था जो इकलौता, उसके कुछ कदम की दूरी पर 4 जो शहीद जवान हैं उनकी मूर्तियां लगाई गई थी। तो ये तस्वीरें, और उसके बीच में अगर हम बात करें तो
नक्सलियों की चेतावनी भी थी। तो उसके बीच बाद भी लोग करीबन 1:30 बजे के करीबन तक के 450 से ज्यादा मतदाता वोट डालकर जा चुके थे और एक एक करके बाद में पहुंच रहे थे। तो जो पोलिंग जो अधिकारी है उनका भी कहना था कि काफी अच्छा मतदान हुआ है। कोंटा में भी अगर हम बात करें तो इस स्कूल के बाहर तक के लोग बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई थी। सुकमा के दिखाया हमने कि सुकमा में किस तरह की स्थिति थी और जो कवासी लखमा के गृह ग्राम में स्थिति दिखाई और हर जगह हमने देखा जहां जहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी लोग सुबह 6 बजे से कतारें लगाकर खड़े हुए थे। तो जाहिर